और गाइस ये जो बच्चा है ये मेरा फैन है, लिटिल फैन। मम्मी दे रहे हो ना आप? ये मेरी आइसक्रीम। हेलो, ना उंगली लिख रहा हूं मैं। तो बुला लो वरना ये आटा इसके ऊपर फेंक के मार दूंगा। अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इट्स तमन्ना व्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज व्लॉग के स्टार्टिंग में एक खुशखबरी सुन लो, वो भी आप सबके लिए है। आप लोग सुन के ना खुश हो जाओगे। पता है क्या, आप सबके इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, क्योंकि भाई हम लोगों के 2 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी यूट्यूब पे, सॉरी मेरी इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टा फैमिली 2 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप सबकी वजह से। थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से। बस यार आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार दिखाओ मुझे, और यूट्यूब पे भी जल्दी से 1 मिलियन कंप्लीट कराओ, जो कि हम सबका जल्दी से गोल्डन बटन आ जाए। और गाइज अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे ना एक गिफ्ट लाना है एक स्पेशल इंसान के लिए। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि ये ना एक बर्थडे पार्टी है स्पेशल इंसान की। तो मुझे जाना है कल, और मैंने ना अभी तक उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं भाई मार्केट, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं मार्केट, और फिर आपको दिखाऊंगी गाइज मैंने क्या गिफ्ट लिया है उसके लिए। चले मम्मी, चलो। उसने निकाल दी, वो खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है जल्दी आओ तुम लोग। भाई खड़ा है बाहर बाइक लेके, हमारे साथ भाई भी जाएगा। अंकित कहाँ आ रही? ओ वो तो शायद नहीं लग रहा, पार्क गया है। सर पूछिए अंकित यहीं पे है, यहीं है। मम्मी आ जाओ, चलो भाई। हर हर महादेव, जय बाबा। सो गाइस फाइनली हम लोग मार्केट आ चुके हैं, अब देखते हैं यार क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। पहले इसी शॉप पे विजिट कर लो, क्योंकि ना वो यार 7 साल का बच्चा है, तो उसके लिए तो यार कुछ टॉय वगैरह ही देखेंगे हम। पसंद आ जाए ना कुछ, पहले पसंद आ जाए। हाँ शॉप पे आ गए हैं, देखते हैं अभी। मम्मी आप क्या ले रहे हो? वो गर्ल नहीं है, वो बॉय है। नहीं लड़की है ये, वो करी अभी हमने निकलवाया तो है, देखते हैं बाकी। यार बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। One hour later. नहीं, green सही रहेगा। अरे ये सही नहीं, से मैं बोल रही हूँ green, ये बोल रहे हो कभी pink या blue। तो 6 से 7 शॉप पे हमने विजिट किया, और किसी भी शॉप पे मतलब ऐसा मतलब गिफ्ट हमें अच्छा नहीं लगा। सो अब इस शॉप पे हमें गिफ्ट अच्छा लगा तो हम पैक करवा रहे हैं, लेकिन वो आपको यहाँ अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, या फिर मैं आपको घर जाके दिखा दूंगी। अभी गिफ्ट पैक हो रहा है गाइस, ये है इनकी शॉप, फेज 3 में 20 साल से इनकी शॉप है। हाँ जी, तो हम इनकी शॉप से ना गिफ्ट ले रहे हैं उनके लिए। और मैं क्या करूँ, दिखा दूँ गिफ्ट? नहीं चलो यार, मम्मी ने मना कर दिया तो गिफ्ट अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो सुन ये तो जब गिफ्ट पैक हो जाए फिर कहाँ से दिखाएगी, अभी दिखा देना। अरे हाँ मम्मी ये भी तो सही कह रहा है। तो गाइस मैं चलो आपको ना गिफ्ट दिखाती हूँ, मैंने क्या गिफ्ट लिया है उसके लिए। प्रमोशन आ रहा है अंकल की शॉप का, फिर भी अंकल डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं। तो गाइस ना हमने ये लिया है उसके लिए गिफ्ट। पहले तो हमने सोचा था एक लूडो और एक कैरम बोर्ड ले लेते, बट वो ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, बस ये लिया है। हमने ये ले लिया, ये अच्छा भी, वो खेलेगा भी इससे, दोनों भाई बहन खेलेंगे इससे। पैक करा लेते हैं। हाँ ये सही, ये सी मिल गई। पिंक वाली है, ग्रीन पिंक। अरे सही लग रही, दे दे यार, मेरी बात कोई नहीं मानता। मानी तो सिर्फ गिफ्ट के लिए मानी, कि ये गिफ्ट कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। गिफ्ट पैकिंग हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है, हो रहा है। और गाइस ये जो बच्चा है ये मेरा फैन है, लिटिल फैन। ऊपर देख भाई, कह रहा दीदी मैं आपको जानता हूँ, आपने होली वाले व्लॉग में मुझे लिया था, मैं ढोल बजा रहा था। दिखा दे हाँ भैया की, ये डिस्काउंट में देगा ना? हैं? तुम्हारा
गाइस किसी को शॉपिंग करनी हो ना गिफ्ट की तो इनके शॉप पे जरूर विजिट करना, बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास। सूजी खा लो, मैं आटे खा लो, खा लो मुझे सूजी, मुझे आटे की खिलाना है इनको सूजी और आलू ज्यादा डालना, फिर मीठा मत डालना। तू मेरे में से मीठा खाएगा? हाँ नहीं, मेरा भी तीखा वाला है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। यार कल ना मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना यार वहां से आके ना मैं थक गई थी, और बाहर निकलने का तो ये है कि मतलब तुम लोग ना बाहर निकल ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर, तो मैं बहुत ज्यादा थक भी गई थी। और पता है उसके बाद आज मैं वॉक के लिए भी नहीं गई पार्क। मैं आपको बता दूं, मैंने ना डेली मतलब सुबह के 5 बजे मैं पार्क जाती हूँ और 5 राउंड लगा के आती हूँ मम्मी के साथ, और आज ना मम्मी चली गई थी, मैंने मम्मी को भी मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जा रही आज, तो मम्मी आज अकेले चली गई थी। तो अभी भाई टाइम हो रहा है 8:00, तो मैं जा रही हूँ अभी 5 राउंड लगा के आऊंगी पापा के साथ, 3 राउंड लगा के आऊंगी, यार 5 तो मेरे से नहीं लगने के। मम्मी बाहर बनाना शेक बना रही हैं। मम्मी जी मेरा बनाना शेक कहाँ है? अरे मैं थक नहीं गई थी मम्मी, मेरे ये पता है पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पापा कहाँ हैं? चलो मैं पापा के साथ पार्क जा रही हूँ। तीन चार नहीं मम्मी, 3 लगाऊंगी, 3-4 नहीं, ठीक है। चलो मैं पापा के साथ पार्क जा रही हूँ, फिर आके मैं बनाना शेक पी लूंगी। गाइस पता है इन भैया को ना पता है कि हम लोग इनसे आइसक्रीम खाते हैं कुल्फी वाली, तो ये ना हाँ ये ना पहली घड़ी हो जाते हैं कि भाई लो आप लोग आपकी 3 आइसक्रीम, 5 वाली 10 वाली ले ले यार, क्यों मम्मी 5 वाली 10 वाली, हम लोग 10 वाली लेते हैं, तो झूठ मत बोले कर भाई, हट। मैं 5 वाली ही लेता हूं। तू 5 वाली ले, मेरी 10 वाली करना भैया। हां बोल दी मैंने, साइड हो जा भैया को दिखा दे, 10 वाली में तो एस्केलेटर ज्यादा आ जाएगी। गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना किसको ये वाली आइसक्रीम अच्छी लगती है। ऊपर वो क्या डालती है? वो चेरी, चेरी वो डाल दो, चेरी। मम्मी को चेरी चाहिए। इसको पैसे से ले आओ, कैसे बिना पैसे के दोगे? भैया फ्री में दे देंगे हमें, है ना? चलो हो गई क्या ये मेरी आइसक्रीम? इस कमेंट में जरूर बताना किस किस को याद आ गई अपने 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 बचपन की। लो मम्मी आपके लिए कुल्फी वाली आइसक्रीम खाओ। हाँ और मम्मी ने ना अभी सब्जी छौंक गया, उससे ना गले में वो हो रही है खराश। मेरी मेरी ग्रीन, अरे यार ग्रीन वाली नहीं है क्या? ग्रीन वाली क्या? अरे ग्रीन वाली वो चेरी नहीं, 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 एक ही रंग। चलो मेरी और मम्मी की सेम से। मम्मी चेयर्स। अरे चेयर्स कैसे लॉजी बनाती रहेगी? अबे भाई सुन लिया पैसे, मैं लाऊं देख रहा हूं मम्मी, मैं ऐसी भी लाऊं, मैं मानूंगी चेरी। पापा लो, पापा ले लेंगे, मैं ना खा लो यार, मैं खा लो ना, मैं ना खा रहा हूं, खा लो ना, उंगली लिख रहा हूं मैं। मम्मी पापा कह रहे हैं उंगली निकलती है इसमें, क्योंकि अभी एक न्यूज आई थी ना कि मतलब एक डॉक्टर ने आइसक्रीम खाई थी, उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई थी ना, तो उसके अंदर एक उंगली लिखी थी। मत बोलना जी, खराब हो जाएगा, पागल है जा। मम्मी चेक कर लेना कभी उंगली निकल जाए, पैसे ला जल्दी। उंगली है क्या? चलो गाइस मैं आइसक्रीम खा लेती हूं, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैं वॉक करके आ चुकी हूँ, और पता है मेरा मन ऐसा कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पानी या मतलब कुछ पीने के लिए मिल जाए, चॉकलेट शेक ही मिल जाए मेरे को, तो यही बहुत हुआ है। और पता है ऐसा लग रहा है मेरा बीपी डाउन हो रहा है, मुझे नींद ही नींद आ रही है, मेरी आंख देखो यार, ओए होए। और आज पार्टी में और जाना है, बस बीपी डाउन ना हो। मैं सोची थोड़ी देर सो जाऊं, बट पहले कुछ खाएंगे फिर। भाई की क्लास का टाइम हो गया, भाई पढ़ाई कर रहा है, ऑल द बेस्ट करता रहे। और मम्मी ने लगा लिया मशीन, क्योंकि यार बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए, हमसे इतना काम होता नहीं है जितना मम्मी करती हैं। तो मम्मी आज कपड़े धुल रही हैं, मिल गया। तो गाइज नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो गाइज ये है मेरी सेहत का राज, बनाना शेक डेली पियो खाली पेट। अरे ये तो राइम बन गई मम्मी, बनाना शेक डेली पियो खाली पेट। ये कौन सा है मम्मी? मेरे लिए भी घर पे है कुछ खाने के लिए। ये
अच्छा मैं फिर खोल के देखता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे ऐसा भेज दो क्यों? मेरे लिए था कपड़ा। चलो गाइस मैं इसको पी लेती हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? तो भाई देख रहे हो तमन्ना कैसे आटा गूंद रही है। देखो जो लोग बोलते हैं ना कि तमन्ना ब्लॉग के साथ साथ पढ़ाई नहीं करती, क्या ये भी नहीं, वो पढ़ाई भी करती है, काम भी करती है, भाई पूरा घर का काम करती है। देखो चल अब से तमन्ना क्या कर रही है। तमन्ना देख तेरा ब्लॉग बन रहा है, इधर तो देख ले, तेरा ही ब्लॉग इधर नहीं देख रही। अरे तो आटा गूंदियो, ढंग से गूंदियो, कहीं बाल बाल गिर दे इसमें। जब इतना सफाईदार बन रहा है तो खुद कर ले, आ गूंद ले, खुद गूंद लेगा आटा। आटा तो नहीं गूंदूंगा, तेरे गूंदू। मम्मी ए शांत हो, चल चल चल, इसको बुला लो वरना ये आटा इसके ऊपर फेंक के मार दूंगा मैं। तुम दोनों बार तोड़ूंगी, मान जा। पता नहीं क्या करने बैठ गया है यहां पे, अबे बैठे बैठे और मत लाओ, चल गया। अरे भैया चलो, मेरा दिमाग चल तो रहा है, इसका तो वो भी नहीं चल रहा। हाँ भैया काम करवाते रहो। तो यार मैंने आटा गूंद दिया है और अभी एक हाथ से उठा रही हूँ, बहुत भारी लग रहा है। एक सेकंड, अरे ये क्या है, कुछ भी हाथ में आ जाता है, कुकर की वो है जो ऊपर लगाते हैं ना काली सी, ये पाइप ये थी, इसमें हार अटक गया था। हाँ मैंने आटा गूंद दिया है और मैं आपको बता दूँ यार, मैंने आपको गिफ्ट पहले ही दिखा दिया था, और पहले मैंने आपको गिफ्ट इसलिए दिखा दिया था क्योंकि यार फिर ना गिफ्ट पैक हो जाता, फिर आपको पता नहीं चलता कि गिफ्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको गिफ्ट पहले ही दिखा दिया था। अब देख रहे हो कितनी गर्मी लग रही है। तो चलो यार इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट ब्लॉग पार्टी का होगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड क्लिक बेल आइकन बटन। मुझे तो लेना ब्लॉग में, बाय। आजा तू भी ऐसे लेगी तो कब तक मिलेंगे जी? बाय बाय गाइस, मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, पार्टी वाले में।